अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी, आप देख रहे हो मेरे चैनल मई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। जो 11वीं 12वीं के पेपर होने हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट, ऑफिशियल डेट शीट आ गई है। HSSC Part 1 and Part 2, यानी कि 11वीं 12वीं, 11th 12th, आपके पेपर 14 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि फेडरल बोर्ड पूरी दुनिया में है। तो जहाँ जहाँ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए अपडेट है कि आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 11वीं 12वीं के पेपर। 14 तारीख को आपका, 14 जून को आपका पहला पेपर है। मॉर्निंग की शिफ्ट का टाइमिंग 8 से 11 है और इवनिंग की शिफ्ट जो है वो 2 से 5 है। पहले 9 से 12 थी ये टाइमिंग, लेकिन वरासला आया था, इसमें ये टाइमिंग चेंज हो गई है। अभी जो है 8 से 11 गर्मी की शिद्दत की वजह से ये टाइमिंग चेंज हुई है और 2 से 5 है। पहला पेपर आपका 14 तारीख को है। ये डेट शीट आपके सामने है, ऑफिशियल डेट शीट है, आप इसको खुद डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह आपको एजुकेशनल अपडेट भी बार वक्त मिलती रहेंगी और एजुकेशनल एड भी मिलती रहेगी। थोड़ा सा गाइड करूँगा कि आपने शॉर्ट वे में आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपने कम वक्त में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज कर सकते हैं। वैसे पूरा साल आपने तैयारी की हुई है, मैंने ऑलरेडी आपको SLO बेस जो आपके पेपर आए थे बोर्ड की तरफ से वो भी मैंने प्रोवाइड किए थे। अब थोड़ा सा मैं आपको वही बताऊंगा कि आपने अभी जो है शॉर्ट वे में कैसे तैयारी करेंगे। देखें, वही जो मॉडल पेपर SLO बेस मॉडल पेपर आए थे, ये बोर्ड की वेब पर अभी भी मौजूद हैं, आप यहाँ से ख़ुद देख सकते हैं। आपने अपनी इस वेब पर जाना है, बोर्ड की वेब पर, और यहाँ से ये जो मॉडल पेपर हैं ये डाउनलोड कर लेने हैं। ये पहले आप देखें, ये सबसे पहले ऊपर ये मैट्रिक के हैं, HSSC 1 and 2, ठीक है। उसके बाद नीचे ये जो ये वाले हैं, ये आपके पेपर हैं HSC के, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आप, ठीक है। ये वाले जो मॉडल पेपर हैं ये 11वीं 12वीं के हैं। तो आपने बायो का, ये 11वीं का है, ये 12वीं का है, ठीक है। ये फर्स्ट सेट था, ये उसका सॉल्यूशन है। ये सेकंड सेट है, ये उसका सॉल्यूशन है। ये सेकंड सेट है, ये उसका सॉल्यूशन है। ये थर्ड सेट है और ये उसका सॉल्यूशन है। ये अगर आप पूरे कर लेते हो, ये तमाम सब्जेक्ट के 3 सेट हैं ये, अगर ये 3 सेट आप पूरे कर लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा शॉर्ट वे के अंदर। ये तमाम सेट्स के मॉडल पेपर यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे आप ये ऑफिशियल वेब जो आपकी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर गिवन है, और ये इसका मरासला भी आया था, ये देख लें, ऑफिशियल है, ये आपकी बोर्ड ने ख़ुद प्रोवाइड किए हुए हैं। तो ये बेस्ट वे है पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने का। इन SLO बेस जो 3 सेट्स हैं पूरे, इनको आपने, ये जो क्लास 9 10 के बच्चे थे उनको मैंने दोबारा भी ये वीडियो बनाई है, लेकिन चूँकि 11वीं 12वीं के बच्चे इतने मच्योर होते हैं वो यहाँ से खुद डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ये पूरा मैंने दिखा भी दिया है, तो आप यहाँ से खुद डाउनलोड करें और इससे आपकी तैयारी इंशाल्लाह। और ये अनसॉल्व है, फिर उसका ये सॉल्व है, ये अनसॉल्व है, ये इसका सोल्यूशन है, ये अनसॉल्व है, ये इसका सोल्यूशन है। तो अनसॉल्व को पहले खुद सॉल्व करें, फिर उसको सोल्यूशन के साथ मैच करें। उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।